इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, रिलेशन बिटवीन द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आपका रहता है। अब से पहले जो हमने स्टडी किया है वो रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी एनालिसिस किए इसके ऊपर, और इससे प्रीवियस लेक्चर में जस्ट प्रीवियस लेक्चर में तो हमने 21 क्वेश्चंस किए हैं बेस्ड ऑन द यूसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो ये कुछ और टॉपिक हैं जो आपके एनालिसिस को आसान बना सकते हैं, जैसे कि इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिनी टेस्ट, एबल टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। तो अभी हम जो बात करेंगे वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट लिखा है इफ ए सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा कन्वर्जेस, है ना, एंड ईच फंक्शन एफ एन इज कन्वर्जेस एंड ईच फंक्शन एफ एन इज इंटीग्रेबल। एफ एन क्या है, ईच फंक्शन एफ एन क्या है, इंटीग्रेबल है, एंड एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा, देन एफ इज इंटीग्रेबल। अच्छा, यहां पर कुछ चीज मिसिंग है। If a sequence fn converges uniformly, converges uniformly to f on the closed interval a comma b and each fn is integrable, then f is integrable, then f is integrable। भाई वो previous वाले result की तरह ही है कि अगर वो continuous था और वो uc था तो उसका limit function में क्या होगा, वो यूसी वो कंटिन्यूस होगा, यानी कि प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा ओवर द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एंड द सीक्वेंस ए टू एक्स एफ एन डी टी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू ए टू एक्स एफ डी टी, ठीक है, वो इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब यूसी नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इट्स नॉट यूसी। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल है, यानी कि ईच टर्म सीक्वेंस सीक्वेंस की क्या है वो इंटीग्रेबल है, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करता है लिमिट फंक्शन एफ पे यूनिफॉर्मली ओवर द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो उसका लिमिट फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा। और यही सेम डेफिनेशन आपके सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए है। क्या होगा वहां पे, इफ ए सीरीज सिग्मा एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ सम फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड ईच फंक्शन एफ एन इज इंटीग्रेबल, देन एफ यानी कि सम फंक्शन भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। एंड एंड द सीरीज एफ एन ए टू एक्स एफ एन डी टी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू ए टू एक्स एफ डी टी ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, दैट इज। तो सीरीज की सेंस में हम आप इस लिमिट की बात करेंगे और सीक्वेंस की सेंस में आप इस लिमिट की बात करेंगे। कन्वर्स इनका एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि अगर आपका आपका लिमिट फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया और आपका जो सीक्वेंस आपका जो सीरीज ऑफ फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर उसकी ईस्ट टर्म इंटीग्रेबल है तो वो जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो। चलिए इसके प्रूफ पे चलते हैं। दो लाइन का प्रूफ है इसका, छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ में क्या कहता है, गिवन क्या है आपको, गिवन है ए सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ एन एफ को, तो फॉर ईच फॉर द गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम एंड फॉर ऑल एक्स belongs to a comma b there exists a positive integer m which depends only epsilon such that fnx minus fx is less than epsilon by 3 b minus a। अच्छा, ये हमने लिख दिया इसे, अगर आप ना लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे हमें इसको बैलेंस करना है, तो इस वजह से हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक, अगर आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, बाद में मैनेज करेगा। ठीक, तो इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है,
यहां से आपने क्या करा, आगे एक चीज और दिया हुआ है आपको कि fn इज इंटीग्रेबल, fn क्या दे दिया, इंटीग्रेबल, ईच fn इज इंटीग्रेबल। अगर ईच fn इज इंटीग्रेबल है तो बाय द रीमान कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होता है भाई, अगर कोई फंक्शन f इज इंटीग्रेबल होता है तो बाय द डालबोक्स थ्योरम ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इन द रीमान सेंस क्या होता है, UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, क्या होगा, f फंक्शन f इज सेड टू बी द रीमान इंटीग्रेबल इफ ओवर द क्लोज इंटरवल a कॉमा b इफ कोरिस्पोंडिंग टू ईच पार्टीशन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p with no mu p less than del such that UPF minus LPF is less than epsilon, that is UPF, क्योंकि एफ एन की बात कर रहा है, यूएफ एन पी माइनस एल एफ एन पी इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चूंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, ये दोनों कंडीशन तो मेरी गिवन थी, चलिए मुझे प्रूफ करना है कि मेरा जो f जो है ना वो इंटीग्रेबल है, f मेरा क्या है, लिमिट फंक्शन, मुझे f को इंटीग्रेबल प्रूफ करना है। बेसिकली मुझे प्रूफ क्या करना है, UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन, ये मेरा गोल है अल्टीमेट प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, f इंटीग्रेबल प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, मैं पहली कंडीशन से लेके चलता हूँ और मैं थोड़ा सा इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि fx माइनस fnx इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 बी माइनस ए, है ना, इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन बाई 3 बी माइनस ए, ऑब्वियस सी बात है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ fnx माइनस एप्सिलॉन बाई 3 बी माइनस ए प्लस fnx इज ग्रेटर देन fx इज लेस देन fnx प्लस एप्सिलॉन बाई 3 बी माइनस ए, इट्स क्वाइट सिंपल, लिख सकते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, इसको ये वाली इनइक्वालिटी लेते हैं, ठीक, फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी क्या लेके चलते हैं, fx इज लेस देन fnx प्लस एप्सिलॉन बाई 3 बी माइनस ए। और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम, ठीक है, अगर ये इनइक्वालिटी दो फंक्शन के बीच में एग्जिस्ट करती है तो इसका सुप्रीमम जो रिलेशन बनेगा ना, अगर इसका सुप्रीमम m है और इसका m डेक्स है और इसका m डबल डेक्स है, बल्कि इसका तो ये कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा फॉर द फिक्स एप्सिलॉन, इसका तो सुप्रीमम इनफीम ही यही रहेगा प्लस एप्सिलॉन बाय 3 बी माइनस, ठीक है। अगर इसका सुप्रीमम m है और इसका m डेक्स है, तो अगर मैं अपर सम की बात करता हूँ, यानी कि मैं डेल एक्स आई ये अगर सुप्रीमम मैं ले रहा हूँ तब भी केस में सुप्रीमम अगर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा यू एफ एन यू पी कोमा एफ एन या यू एफ एन कोमा पी, वो इज जस्ट नोटेशन। और प्लस अगर मैं समेशन यहाँ पे लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3, क्योंकि डेल एक्स आई समेशन डेल एक्स आई की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए, बी माइनस ए तो बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपको दे देगा एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई है आपकी फ्रॉम द फर्स्ट, इसको आप कह सकते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 कह दो उसको, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट, अगेन अगर फर्स्ट से आप बात करें तो आपका जो एफ एक्स है वो क्या है बेसिकली ग्रेटर देन है इससे एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 3 बी माइनस एस, ठीक है, फिर से वही, अगर इसका इन्फीम जो है ना स्मॉल एम है तो उसका स्मॉल एम डेक्स कुछ और होगा और यही इसका इन्फीम होगा, यही इसका सुप्रीम होगा, इसके बारे में तो कहना ही नहीं। और फिर आप इसमें ये रिलेशन बनेगा, फिर आप डेलेक्स ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप समेशन ऑपरेट करेंगे, तो ये बनेगा आपका एल पी एफ इज ग्रेटर देन
एल पी कॉमा एफ एन माइनस एप्सिलॉन बाई थ्री, तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपकी फोर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको मैंने बता दूँ, आप क्या करें इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस एल पी एफ इज लेस देन माइनस एल पी एफ एन और प्लस एप्सिलॉन बाई थ्री, बेसिकली इसको ना मान करके इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लें। अब कंबाइन कर दे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, जो ये इक्वेशन थर्ड और इसको फोर्थ इसको प्लस कर दे, तो ये मिलेगा यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन यू पी एफ एम माइनस एल पी एफ एम, ये क्या मिल जाएगा आपको यू पी एफ एम माइनस एल पी एफ, ठीक, एल पी एफ एम यू पी एफ एम माइनस एल पी एफ एम क्या मिल जाएगा आपको एप्सिलॉन बाई थ्री मिल जाएगा, और प्लस एक एप्सिलॉन बाई थ्री ये रहा और एक एप्सिलॉन बाई थ्री आपका यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई थ्री, इसलिए आप एप्सिलॉन बाई थ्री लेके चले थे, बी माइनस ए इसलिए लेके चले थे ताकि वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए, और एप्सिलॉन बाई थ्री इसलिए लेके चले, तो ये क्या हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज दैट दिस यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन और दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल, एफ इज इंटीग्रेबल, तो दो लाइन का प्रूफ था इसका, है ना, कोई मुश्किल प्रूफ नहीं था इसका, तो ये इसका प्रूफ था, और उम्मीद करता हूँ कि प्रूफ में आप लोग बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसका जो सेकंड पार्ट इसने प्रूफ करने के लिए कहा है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करा रहा है, पार्ट में क्या प्रूफ करा रहा है, द सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस दिस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू यू थ्री, ये इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ना, ये भी आपको दिखाना है, एफ इंटीग्रेबल है और जो ये इंटीग्रेशन है आपका ये इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर द फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल एक्स बिलो टू क्लोज इंटरवल लाइक व्हाट वी देयर शुड एग्जिस्ट अ कोएफिशिएंट दियर है एम व्हिच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली सच दैट द डिफरेंस ए टू एक्स एफ एन डी टी माइनस ए टू एक्स एफ डी टी शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, तो ठीक है। ठीक, हमें पता है कि सिंस एफ एन क्या है, एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो फॉर द फिक्स एप्सिलॉन एंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एफ एन एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ए माइनस बी, एप्सिलॉन अपॉन ए माइनस बी, ये आप लेके चले ताकि आगे जाके बैलेंस हो जाए। ठीक है, ठीक, एप्सिलॉन अपॉन ए माइनस बी और बी माइनस ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस ए और ए माइनस बी, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब आपको ये लेस देन एप्सिलॉन अगर आप प्रूफ कर दें तो इसका मतलब ये इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा, यानी कि ए टू एक्स एफ डी टी इक्वल्स टू लिमिट एस टू इनफिनिटी ए टू एक्स एफ एन डी टी, तो आपने क्या करना है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, वो तो आपने लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना था, वो शुरू में लेके नहीं चलना है इसको, ठीक, इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, ए टू एक्स एफ एन माइनस एफ डी टी, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं आप इसको ए टू एक्स, ए टू एक्स मॉडुलस ऑफ एफ एन माइनस एफ डी टी, इसको आप क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू ए टू एक्स, ये क्या है आपका लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ये से छोटा है फ्रॉम दिस डी टी, तो ये क्या हो गया आपका लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए और लिमिट होगी आपकी ए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और जाहिर सी बात है ये नंबर आपका क्या है लेस देन बन जाएगा क्योंकि ए टू एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए टू एक्स की बात कर रहे हैं एक्स माइनस ए, तो ये नंबर आपका ग्रेटर तो आपका लेस देन बन ही रहेगा, है ना, लेस देन बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो दिस
दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वालिटी बॉक्स. ठीक है, तो ये तो इसका थ्योरम का प्रूफ था. अब इसके इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको इस रिजल्ट की ब्यूटी बताएंगे कि ये रिजल्ट क्यों अपने आप में इम्पोर्टेंट है. नाउ कम टू द एप्लीकेशंस. चलिए इस एप्लीकेशन से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये आपके पास एक इन्फिनिट सीरीज लिखी हुई है ना. क्या लिखी हुई है इन्फिनिट सीरीज आपके पास? सीरीज माइनस वन टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन. ठीक है, एक्स टू द पावर एन या माइनस इन टू द पावर एन प्लस वन ले लो अगर एन इक्वल्स वन टू इन्फिनिटी आप रन करा दें. ठीक है, तो पहली तरह आपको ठीक है यह आप एक कम कर सकते हैं एन टू द पावर माइनस वन और एक्स क्योंकि पहली तरह आपको वन चाहिए तो एन इक्वल्स टू वन से आप रन कराएंगे तो ठीक है. माइनस वन टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा वन और एक्स की पावर जीरो ये भी वन तो पहली तरह आपको मिल जाएगी. दूसरी तरह में आपको माइनस एक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ये सीरीज आपके पास कर सकते हैं और ये सीरीज हम इस तरह की सीरीज हम पहले भी कर चुके हैं है ना. सिंगल एक्स टू द पावर है ये क्या आपका अगर मैं देखूँ ये टर्म बाई टर्म क्या है ये सीरीज जो आपका टर्म बाई टर्म कंटिन्यूस भी है. ठीक है, ईस्ट टर्म ऑफ द सीरीज कंटिन्यूस लेकिन अगर इसका लिमिट फंक्शन देखें तो इसका जो सम फंक्शन आता है वो डिसकंटिन्यूस आता है. ठीक है, इसके अगर सम फंक्शन की बात करें तो वो क्या आता है वो डिसकंटिन्यूस आता है क्योंकि अगर इसके तो ये आपका यूसी नहीं होता. ठीक है, तो ये यूसी तो नहीं है लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें इसका लिमिट फंक्शन क्या है इस सीरीज का लिमिट फंक्शन आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स. अगर मैं इस लिमिट फंक्शन का जीरो टू वन में एफ एक्स डी एक्स यानी कि इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास आएगा जीरो टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लो टू आ जाएगा. ठीक है, लोग टू आ जाएगा और अगर मैं इस सीरीज का टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करूँ अगर मैं सीरीज का टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर एंड प्लस डॉट 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 जीरो टू. ठीक है, जब मैं इसमें लिमिट रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव और माइनस दो टू टू प्लस. और ये बेसिकली क्या है ये आपके पास है लोड है ना. तो इससे एक चीज़ तो जाहिर हो गई वो चीज़ क्या है कि जो आपका इंटीग्रेशन है ना अगर आप बात करें लिमिट अगर आप बात करें इंटीग्रेशन की टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें है ना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एफ एन डी टी जीरो टू वन तो क्या हो गया जीरो टू वन एफ डी टी के बराबर हो गया. ठीक है, जीरो टू वन एफ डी टी के बराबर हो गया लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि वो यूसी है. अगर वो यूसी है तो तब आपको ये गारंटी मिलती है अगर वो यूसी है तब आपको ये गारंटी मिलती है लेकिन अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो यूसी है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. आपका एफ एन जो है एफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है लेकिन अगर एफ एन एफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ये गारंटी देता है. ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये क्योंकि हमें पता है कि यूसी नहीं है फर्स्ट क्लास यूसी नहीं है चेक कर लीजिए आप प्रीवियस टेक्निक से तो ये यूसी नहीं है और बावजूद इसके ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है. तो ये कंडीशन जो है ना आपका ये नहीं बताती कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो यूसी है. हाँ, ये जरूरी है कि अगर यूसी है तो उस कंडीशन को वो क्या करेगा होल्ड करेगा. ठीक, एक तो ये इस रिजल्ट से हमने सीखा. ठीक, दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दूसरी लेके चले दूसरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपने ले लिया एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर. ठीक,
ये अपने एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये एन एक्स स्क्वायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पता है कि ओवर द क्लोज इंटरवल 0 टू 1 ये यूसी नहीं है, हमने एक बार काम कर चुके हैं, लगभग हर लेक्चर में उस क्वेश्चन को हमने किया है, ठीक है, ये यूसी नहीं है उसके पास, ठीक। इसके बावजूद अगर मैं इसका लिमिट फंक्शन निकालता हूँ, उसका लिमिट फंक्शन आता है 0, मैं निकाल चुका हूँ उसका लिमिट फंक्शन क्या आता है 0 आता है। लिमिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, एन टेस्ट इनफिनिटी एन एक्स अपॉन ए टू द पावर एन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 4x, तो इसका लिमिट फंक्शन आ गया आपका 0। तो 0 का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली 0 होता है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1 एफ एन एक्स एफ एन डी टी है ना, 0 टू 1 एफ एन मेरा क्या है एन एक्स इंटू द पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर दो भाई, मैं क्या कर लेता हूँ इसको टी मान लेता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर दो यहाँ पे, ठीक। तो मैंने क्या मान लिया टी इक्वल्स टू माइनस एन एक्स देन डी टी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस पे टू एन एक्स, ठीक है। और यहाँ से एन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बाई माइनस टू डी टी बाई माइनस टू, तो चलिए इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये हो गया आपका क्या माइनस वन बाई टू अपने बाहर निकाल लिया और लिमिट भी चेंज जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो टी भी आपका 0 हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो टी आपका हो जाएगा माइनस है, अगर एक्स की वैल्यू आप होगा तो एक काम करो ना यहाँ प्लस कर दो और यहाँ प्लस कर दो ए टू दी पावर माइनस टू बन जाएगा, ठीक है प्लस कर दो, ये हो गया 0 टू एन लेते हैं आपका 0 टू क्या कर लिया एन कर लिया, और 0 टू एन करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका एन एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया आपका डी टी बाई टू हो गया, ठीक है, और ये हो गया ई टू दी पावर कितना e टू दी पावर माइनस थ्री डी टी, ठीक है e टू दी पावर माइनस थ्री डी टी, कोई दिक्कत नहीं, हो गया 1/2 और 0 टू n e टू दी पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन कितना हो गया e टू दी पावर माइनस थ्री का हो जाएगा e टू दी पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन और 0 टू n, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और e टू दी पावर माइनस n और माइनस ई टू दी पावर 0 का मतलब है, तो अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी पे तो वो आती है 1/2, क्या आती है वैसे 1/2, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू 1 एफ एन डी टी इक्वल्स टू आगे 1/2, जो ही किसके इक्वल नहीं है 0 टू 1 एफ डी टी के इक्वल नहीं है, क्योंकि लिमिट फंक्शन क्या आपका 0 और उसका लिमिट फंक्शन क्या आपका 0 और उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0, तो ये जो है ना ये निगेशन की बड़ी अच्छी गारंटी देता है, अगर आपका ये इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो यूसी होगा एफ एन एफ पे यूसी होगा, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये गारंटी है कि एफ एन एफ पे नॉन यूसी है, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, निगेशन का उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्क करता है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आता, आप सिंपली ये करके देख लीजिए, अगर ये इक्वल नहीं आता है इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ओवर द क्लोज इंटरवल एक्स पे, ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल आता है तो जरूरी नहीं कि ये यूसी हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है नॉन यूसी आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शंस थी और बावजूद उसके ये इस कंडीशन को होल्ड कर गया था, है ना। तो स्टूडेंट वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा, तो 30-40 क्वेश्चन होंगे जो पूरी एनालिसिस एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के साथ, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अरे भाई प्लीज़ यार कमेंट तो कर ही दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब द चैनल।